हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आप सबके साथ मैं शेयर कर रही हूँ एकदम क्रिस्पी और टेस्टी समोसे बनाने की रेसिपी। इस रेसिपी को देखने के बाद आप हमेशा समोसे घर पे ही बनाएंगे, बाजार से खरीदना भूल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 3 कप मैदा। इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक, और नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल डालने से ये बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनते हैं, और साथ ही साथ इनका कलर भी बहुत प्यारा आता है। ऑयल डालने के बाद हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसे हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अब आप इस आटे को हाथ में इस तरीके से दबा के देखें, ये एक साथ में इकट्ठा हो रहा है और ये एकदम परफेक्ट है। आप देख लीजिए, ये देखिए, आपको इसी तरीके से देख लेना है, इस तरीके से होना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे पानी, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसका हम एक सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए, यहाँ मैंने इसको गूंथ लिया है और इसका एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे रेस्ट के लिए रखेंगे, जिससे कि ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे 3 उबले हुए आलू ले लिए हैं और इसे हमें ग्रेट कर लेना है। तो यहाँ मैं मीडियम वाले ग्रेटर का यूज़ कर रही हूँ। इसे ग्रेट करने के लिए आप यहाँ पे आलू को ग्रेट करके इस्तेमाल करें। इससे स्नैक्स का बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है। अगर आप इसे ग्रेट करना नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पर हाथों से इसे मैश कर लीजिएगा। ये बात का ध्यान रखें आप कि आलुओं में गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सभी आलुओं को ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ फ्लेवरफुल चीज़ें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और पाउडर मसाले डालेंगे। तो यहाँ मैंने लिया है 1 टेबल स्पून नमक, यहाँ पे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून लेंगे हम लाल मिर्च का पाउडर। हमने यहाँ पे हरी मिर्च भी डाली है तो आप इसका ध्यान रखें। और 1.5 टेबल स्पून हम लेंगे हल्दी का पाउडर, इससे टेस्ट अच्छा आता है, साथ के साथ कलर भी अच्छा आता है। और 1 टेबल स्पून हम लेंगे यहाँ पे चाट मसाले का पाउडर, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डाल दीजिए, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट अच्छा आता है। और 1 टेबल स्पून हम लेंगे यहाँ पे गरम मसाले का पाउडर, इससे आलू में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, तो आप यहाँ पे इसे ज़रूर डालिए। अब हम इन मसालों को आलू में डाल देते हैं। और अब हम मसालों को आलू में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और ये लीजिए, यहाँ मैंने आलू में मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं और अब हम समोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैदे से थोड़ा सा हम डो लेंगे और इसे इस तरीके से हम पेड़े बनाते हुए इसकी एक रोटी बेल लेंगे। तो यहाँ पे आपको रोटी जो बेलनी है वो गोल नहीं बेलनी है, थोड़ा सा लंबा बेलिएगा इस तरीके से। इसी तरीके से आपको बेल लेना है और उसके बाद आपको एक नाइफ लेना है और इसे बीच से इस तरीके से कट कर लेना है। और यहाँ पे ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। अब हम एक पार्ट लेंगे और इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे। पानी यहाँ मैंने इसे लगाया है जिससे कि जब हम इसे फोल्ड करें तो ये अच्छी तरह से चिपक जाए। और यहाँ पे अब हम इसे फोल्ड करेंगे, तो आप इसकी फोल्डिंग देख लीजिएगा कि कैसे करनी है आपको। इस तरीके से आपको फोल्ड करना है, बहुत ही आसान है इसे फोल्ड करना। और फोल्ड करने के बाद आप इसे इस तरीके से दबाते हुए सील कर दीजिएगा जिससे कि स्टफिंग बाहर ना निकले। और ये लीजिए, यहाँ मैंने समोसे को अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे स्टफिंग। तो स्टफिंग भी मैंने बहुत ही सिंपल से मसालों से बनाई है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अब आपको इसके ऊपर पानी लगाना है और पानी लगाने के बाद आप इसे इस तरीके से उठाते हुए ऊपर की तरफ इस तरीके से चिपका दीजिएगा। इसे प्रेस करते हुए चिपका दें जिससे कि जब हम समोसों को फ्राई करें तो स्टफिंग बाहर ना निकले। और ये लीजिए, यहाँ मैंने समोसा बना के तैयार कर लिया है।
और यहाँ पे मैं आपको एक बार और फोल्ड करके दिखाती हूँ कि आपको फोल्डिंग कैसे करनी है। समोसे में सबसे मेन चीज़ होती है इसकी फोल्डिंग करना। सबसे पहले आपको पानी लगाना है और आपको इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसे दबाते हुए सील कर दीजिए। और अब हम इसमें स्टफिंग करेंगे। स्टफिंग करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप इसमें स्टफिंग ज़्यादा ना डालें, वरना ये खुलने लगते हैं। और अब हम इसे चिपका देंगे। तो देखा आपने इसे बनाना कितना आसान है। इसी तरीके से आपको सारे समोसे बनाकर तैयार करने हैं। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारे समोसे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। गर्म करने के बाद आपको गैस की फ्लेम लो कर देनी है और लो फ्लेम पर हम इसमें वन बाय वन करके समोसे डालते जाएंगे। अगर आप इसकी फ्लेम को हाई रखेंगे तो आप जब इसमें समोसे डालेंगे तो वो ऊपर से गोल्डन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो गैस की फ्लेम आपको लो ही रखनी है और जैसे ही इस पर कलर आना शुरू होगा आपको गैस की फ्लेम मीडियम कर देनी है और मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे जिससे कि अंदर तक क्रिस्पी हो जाए। और यहाँ पे इसका गोल्डन कलर आ गया है। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई कर लेंगे। और आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा कलर आ गया है और ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे ऑयल से निकाल लेंगे। सुना आपने इसके बाद कितने क्रिस्पी बने हैं। और इसी तरीके से हम दूसरा बैच फ्राई कर लेंगे। और आप दूसरा बैच फ्राई करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि जब आप इसमें दूसरा बैच फ्राई करें तो गैस की फ्लेम आपको पहले लो कर देनी है जिससे कि ऑयल थोड़ा सा ठंडा हो जाए, वरना ऑयल गर्म रहता है। आप इसमें समोसे डालेंगे तो ज़्यादा गर्म ऑयल में समोसे ऊपर से पक जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो गैस की फ्लेम आपको लो रखनी है और जब इसमें गोल्डन सा कलर आ जाएगा तब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। और यहाँ पर गोल्डन सा कलर आ गया है और ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। तो इसे भी हम ऑयल से निकाल लेते हैं। अब मैं इसमें फ्राई कर रही हूँ हरी मिर्च, क्योंकि समोसों के साथ में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे हरी मिर्चें फ्राई हो गई हैं तो इसे ऑयल से निकाल लेते हैं। और अब हम इसे सर्व कर लेंगे। और यहाँ मैं इसे एंजॉय कर रही हूँ गर्मा गर्म चाय के साथ में। कैसी लगी आपको यह आज की रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है, इसे आप बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं। और उम्मीद है आपको यह रेसिपी देखने के बाद मार्केट के समोसे खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे बहुत ही आसानी से घर पर बना पाएंगे। आई होप आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।